भाई जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी मिटी माइटी था कयो ऐं हुननि जी मीटिंग करण लाइ होटल जा ख़र्च करे रहिया आहियो त तव्हां जे लाइ हिकु ख़ुशख़बरी आहे। Rishto.com जो Rishto Meet हिकु शानदार आलीशान मीटिंग रूम जेको तव्हां खे बिल्कुलु फ्रीअ में मिलंदो, पोइ भले तव्हां जी मेंबरशिप हुजे या न, हिते 10-15 माण्हू आराम सां ऑक्यूपाई थी सघंदा आहिनि। त पोइ देर छा जी, अॼु ई विज़िट कयो Rishto Meet में। Rishto.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates sare online se bhi saste. Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. Aaj hi aaiye aur consumer appliance le jaiye easy EMI par. Umidwari ki daud mein hu, Bhajpa Zila Adhyaksh Pradeep Ramchandani. Bhajpa ne ravivar ko rajya ki 99 seaton ke liye उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी। कल्याणपुर व मुरबाड़ से भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई, लेकिन 141 उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक कुमार आइलानी का नाम इस सूची में नहीं होने के कारण पूरे शहर में काफी चर्चाएं बनी हुई है। वहीं 40 साल से पार्टी में काम करते हुए वे उम्मीदवारी की महत्वाकांक्षा रखते हैं। इसके अलावा बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी भी मैदान में है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने पार्टी से 141 विधानसभा क्षेत्र से पार्टी से उम्मीदवारी की मांग की है। ऐसे में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कुमार आइलानी को उम्मीदवारी मिलती है या फिर नए चेहरे की तलाश में भाजपा इस बार जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी को मौका देगी, इस पर पूरे शहर की निगाहें हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की 99 प्रत्याशियों की सूची कल सभी टीवी चैनलों में और समाचार पत्रों में आज आई है। बाकी जो सूची है वो जल्द ही आएगी। उल्लासनगर का नाम अभी तक नहीं आया है, तो इसका अर्थ यह है कि उल्लासनगर में प्रत्याशी देने में जो पार्टी के इंटरनल सर्वे होते हैं और सारी जितने भी यहाँ के पदाधिकारियों हैं उनका मत जाना जाता है, उन सारी चीज़ों को सोच समझ कर जीतने की जिसमें संभावनाएं ज़्यादा हों ऐसे प्रत्याशी का चुनाव किया जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली लिस्ट में आना चाहिए, दूसरी लिस्ट में भी आ सकता है, तीसरी लिस्ट में भी आ सकता है, लेकिन जिसके भी नाम, जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा पक्ष श्रेष्ठ है, वरिष्ठ नेता हैं, वो जिस भी प्रत्याशी का, जिस भी उम्मीदवार के नाम का चयन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उस प्रत्याशी को भारी बहुमतों से यहाँ से विजयी करवाएगी। सर, आप भी चाहते हो कि उल्लासनगर में आपको टिकट मिले, किस बुनियाद पे पक्ष की ओर ने अपना आपका किराय आपने रखी है टिकट के लिए? 1982 से लेके मैं पक्ष में काम कर रहा हूँ, करीबन 42 वर्षों से काम करता हूँ। तो हर एक कार्यकर्ताओं की एक महत्वाकांक्षा होती है और उस महत्वाकांक्षा के आधार पर हमने पार्टी से आवेदन किया था कि मैं भी इच्छुक हूँ। और जो हमारे यहाँ पर कृपा शंकर जी आए थे सभी कार्यकर्ताओं का मत जानने के लिए, उसमें भी कई कार्यकर्ताओं ने हमारा नाम दिया है। और महत्वाकांक्षा पार्टी का काम करते, संगठन का काम करते होने के बाद स्वाभाविक रूप के मन में आता है कि हम भी कार्यकर्ता हैं, हम भी प्रतिनिधित्व करें। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वह पार्टी के हित में निर्णय लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर उस प्रत्याशी के लिए काम करते हैं। रविंद्र चौहान जी हमारे आदरणीय मंत्री आए थे, उनका विषय संगठन था। सभी जितने भी 1-12 पैनल और मारल वरब कांबा, उन सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बात किया
और संगठन को मजबूती के साथ काम करना, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं से ही भारतीय जनता पार्टी का नेता निकलता है, किसी ऐसे नहीं निकलता है कि किसी माँ की कोख से निकला वही नेता होगा, यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। आप देखेंगे हमारे सभी जितने नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, ये हैं, ये एक आम कार्यकर्ता बनकर ही आगे बढ़े हैं। तो ये समझाने का प्रयास किया कि सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जो है सबसे बड़ी पूंजी है, कार्यकर्ताओं को एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करना, इसीलिए उन्होंने सिलसिलेवार सभी पैनलों के और सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और उनको चुनाव जीतने के गुर सिखाए।